आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम आए हैं खालसा एग्रीकल्चर स्टोर तेजेंद्र सिंह जी के यहाँ। तो आज देखेंगे खालसा एग्रीकल्चर स्टोर पर कौन कौन से इम्प्लीमेंट नए हैं और वही हमारा पुराना परम, वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो तेजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। नमस्कार त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए स्टोर खालसा एग्रीकल्चर स्टोर पर, जो कि आज हमने ओपनिंग की है जी, हिरनपुरा चौकी गर्म मेट रोड हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लोग तेजेंद्र सिंह को भी जानते हैं और परम को भी जानते हैं। हाँ देखो, बाकी जो नए लोग जुड़े हैं या जो नए लोग आए हैं उन्हें जरा अपना पूरा परिचय दें। जी, मेरा नाम तेजेंद्र सिंह जी, मैं गढ़ क्षेत्र से रहने वाला हूँ, अक्खापुर निवासी जी। मैंने पहले काम किया था स्टार्ट जोया के अंदर, जो कि अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, अब से करीब 2 साल पहले। धीरे धीरे स्ट्रगल किया और नई नई ब्रांचें खोली हैं, आज हमारी 10-11 ब्रांचें हो चुकी हैं जी। उसी के जरिए फिर एक हमने ब्रांच सोचा अपने गांव के पास डाल दें। बिल्कुल। तो यहां पे भी परम रोटावेटर की एजेंसी, खालसा एग्रीकल्चर स्टोर पर आ चुकी है जी। और भी कृषि यंत्र हैं, साधु सिंह इम्प्लीमेंट्स राजस्थान से हैं, उनकी भी एजेंसी हमारे पास है। दीप धंजल जो रायकोट की कंपनी है स्टोरी पर, उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं यूपी के। और सभी चीज़ें हैं, आप जैसे किसान भाई को दिखाइएगा तो सभी चीज़ें आप यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो तेजेंद्र सिंह जी, एक इसी उससे एक सवाल निकल के आया है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, कि आप जिस स्थिति पे, जिस उड़ान पे हैं और आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं अपने काम को जी, इसका जो टिप्स है वो क्या है कि ऐसा आपने क्या किया कि एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच आप आगे ऐसे बढ़ाते चले गए जी, जी। तो बहुत से लोग होते हैं कि भाई काम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, कुछ उन लोगों को कहना चाहेंगे आप? हाँ, कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल, क्या बिल्कुल, यूज किया बिल्कुल, या बिल्कुल, कौन सी एनर्जी लगाई कि ये सब काम आगे आगे बढ़ता चला? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो, मैं जहाँ तक बताना चाहूंगा किसान भाई को, भाई सभी मेरे स्टोर जितने भी हैं, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा उनको, अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है जी, सभी स्टोर अपने अच्छी तरीके से चल रहे हैं जी। और मैं बताना चाहूँगा कि भाई देखो, सही कंपनी चुने, सही माल चुने, सही सर्विस दें किसान को, किसान की समस्या को समझें, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी जी। हमें क्या है कि कंपनी भी हमें सपोर्ट देती है, माल भी हमारा अच्छा है, और सर्विस तो हम अगर दिन में टाइम मिलता है, दिन में नहीं तो रात को भी दे देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि रात को भी हमने सर्विस दी किसानों को जाके उठा। अच्छा, रात को भी गए? हाँ, उठा के सर्विस दी हमने। तो तेजेंद्र सिंह जी, आज आप अपने नए स्टोर पे क्या क्या किसान भाइयों के लिए लाएं, जरा उनके बारे में जो है डिटेल से बताएं। जी 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 जी, ये जो हैरो है, देखो त्यागी जी जी, ये मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा, ये नौ डिस्क की हैरो है। अच्छा, 18 डिस्क की, ये साधु सिंह राजस्थान वालों की बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। और ये प्रेशर में है, मतलब अच्छा, ये प्रेशर से ही खुलेगी और प्रेशर से ही बंद होगी। जैसे प्रेशर खुलेगा तो ये ऑटोमेटिक जो इसके पहिए हैं ये ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, वो जिग जैग वाला जो सिस्टम है वो इसका जो है चालू हो जाएगा। उसकी मैं आपको क्वालिटी बताना चाहूंगा, इसमें जो कंपनी यूज करती है जी, वो यूज करती है कॉस्को इंग्लैंड के डिस्क। अच्छा ठीक है, जिसकी टूटने की और मुड़ने की गारंटी होती है। हब की 5 साल की गारंटी है जी, एक्सल की हम 5 साल की गारंटी दे देंगे और फ्रेम की हम 10 साल की गारंटी दे देंगे। ठीक है, इसको 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर आराम से चलाएगा। अच्छा हाँ ठीक है। अगर तेजेंद्र जी हम इसके प्राइस की बात करें जी, तो आप इसे कितने प्राइस में प्रोवाइड करा रहे हैं? हमारे स्टोर पर यूपी में कोई भी किसान भाई इसको लेगा तो 1,30,000 रुपये में मिलेगी। थोड़े रेट बढ़े हुए हैं अभी जी, कि लोहा बहुत उछाल ले चुका है। हाँ, लोहे के रेट हाँ, के हिसाब से जो थोड़ा हाँ, ज़्यादा महंगा हो रहा है। 9.5 क्विंटल वेट है। हाँ, हाँ, अगर 1 रुपये किलो भी बढ़ा तो 950 रुपये हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उतना ही महंगा थोड़ा ग्रोथ में। तो और आगे साधु सिंह वालों के हमारे पास जो कल्टीवेटर हैं जी, 11 टाइन, 9 टाइन, 13 टाइन जी, 4 मॉडल आते हैं,
बेसिक, बेम और डिलक्स और सुपर डिलक्स। अच्छा। इसमें एक कंपनी ने अभी इस बार जो दिया है नया मॉडल दिया है, जैसे ये सी टाइप टेन आती थी अभी तक जी, अब भी ये सीधी टेन के अंदर आ गया। अच्छा अच्छा, इसमें सीधी टेन दिया, प्लेट की कटी हुई टेन है ये। बहुत अच्छे। हाँ, इस ये प्लाज्मा कटिंग से कटी हुई टेन है, ये नया मॉडल निकाला है कंपनी ने। ये भी 11 का है और फोल्डिंग है, एक एक दोनों साइड से फोल्डिंग। अच्छा, अगर मान लिया हम नेड़ा करना चाहें तो इसे नेड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं भी 11 का चला लो या 9 का चला लो, रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी। जी जी। और आगे ये जो है प्लाऊ है जी, जैसे किस, हाँ, जो कल्टीवेटर के जो हमारे प्राइस हैं, 11 वाला हमारे यहाँ पर 40,000 का है, ठीक है। अच्छा, ये सी टाइप जो है हमारे डिलक्स मॉडल जो फोल्डिंग के अंदर है, ये 35,000 का है, ठीक है। ये प्लाऊ है हमारा 23,500 का, दो बॉटम में हैवी ड्यूटी के अंदर आता है। फिर आगे ये तोता हल, अच्छा, चीजर प्लाऊ जिसको बोलते हैं, ठीक है, हार्ड सोयल। जैसे आपने कहा तेजेंद्र जी, तोता हल। जी जी जी। तो ये जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल जो बैलों से चलने वाले हल थे, बिल्कुल उसी टाइप का बना हुआ है, उसी की नकल है ये? बिल्कुल उसी की नकल की हुई है, उसी के टाइप से काम करता है। देखो, जो बैलों वाली जुताई थी वो तो बात अलग थी जी, बिल्कुल अलग चीज थी, और उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जो कल्टीवेटर वो काम नहीं कर रहे थे, फिर ये इसको बनाया गया जी। ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। अब बैल तो नहीं है किसी के पास, है नहीं, तो अब क्या है कि ट्रैक्टर आ गए हैं सभी के पास, तो टाइम भी नहीं है। पहले बैल से खूड़ निकालते थे, अब क्या ये पांच वाला है 40 हॉर्स पावर। हाँ, तो एक साथ में जो पांच खूड निकल के जाएंगे इससे, और जो सात वाला आता है वो अपना 50 हॉर्स पावर के लिए। अच्छा, प्राइस क्या है सर इसका? प्राइस हमने रखा हुआ है यहाँ पे 32,000। अच्छा अच्छा, ये टॉप मॉडल में अंदर। ये आपने जैसे देखा होगा, आपने कहा कि परम और तेजिंदर, ये तो हाँ, सभी लोग जानते ही हैं। एजेंसी जो हिरणपुरा चौकी पे एजेंसी है, ये हमारे पास है अब। अच्छा, खालसा एग्रीकल्चर स्टोर जी। ये सभी 7 फुट 6 फुट 8 फुट सभी रोटावेटर हैं। 6 फीट का जो हमारे पास प्राइस है अभी अवेलेबल 87,000। अच्छा, 7 फीट का जो रेट है 90,000 जी, और जो इसमें चैंपियन मॉडल है 7 फीट वो 92,000। अच्छा, जो टॉप मॉडल है सबसे वो 92,000 में। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे। किसान भाई को बताना चाहूँगा, ये है डिस्क प्लाऊ जी, ये रिवर्सेबल प्लाऊ आता है। इसमें जैसे बहुत ट्रैक्टर हैं जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगा हुआ, प्रेशर वाला जो होता है जिससे हम प्लाऊ चाहिए, तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। ऑटोमेटिक जैसे पहिया खाई में जाएगा, गड्ढे में जाएगा, तो ऑटोमेटिक उस साइड में बदल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सही बजट में सही चीज़ दी हुई है कंपनी ने, ठीक है। मतलब कि जो वैसे प्लाऊ आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। अच्छा, उनके लोड भी ज्यादा है, इसका लोड भी उनके मुकाबले कम है और काम भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, मतलब हमारा ट्रैक्टर दबेगा नहीं, दबेगा भी और नहीं जो है। हाँ, अगर लोड पड़ेगा तो फिर चेंज कर जाएगा। और हमें प्राइस जो है इसका, जो हमने टू बॉटम वाले का रखा हुआ है, इसका हमने रखा हुआ 45,000। अच्छा, उसका 55,000। अच्छा, उसका 55 है। हाँ, हैवी ड्यूटी के अंदर है। बहुत अच्छे जी। ये डिस्क डोलर है, ये ये भी हैवी ड्यूटी के अंदर है। ये सादा डोलर है, एक घटाने बढ़ाने वाला, हम डोली को पीछे से कैसे भी ऊंची नीची या चौड़ी या बड़ी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से ये एडजस्टेबल है। बिल्कुल, ये यहाँ से एडजस्टेबल। प्राइस, इसका प्राइस जो हमने रखा हुआ है 14,000। अच्छा, तो तेजेंद्र सिंह जी, आपने ये सभी इम्प्लीमेंट्स दिखाए और उसके बारे में बताया। देखो, अभी क्या है कि थोड़ा जल्दी में हुआ उद्घाटन, कुछ ही इम्प्लीमेंट्स हम आपको किसान भाई को दिखा पाए आपके यूट्यूब के माध्यम से। जी जी, बाकी जैसे ही नए नए यंत्र आते रहेंगे, हम YouTube के माध्यम से किसान भाई जुड़े रहें और सभी को हम चीज़ें, नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे और लाते रहेंगे। जी, अभी जैसा कि आपने कहा कि किसानों के लिए आप नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, तो जो कुछ छोटे यंत्र हैं, कुछ बड़े यंत्र, सभी हैं। जो दूर के किसान हैं जी जी, और YouTube के माध्यम से हमें और आपको और हमारे खालसा एग्रीकल्चर स्टोर को देख रहे हैं जी, अगर कोई वहाँ से किसी चीज़ को पसंद करता है और आपसे वो खरीदना चाहता है, तो वो उसका प्रोसीजर क्या है, वो आपसे कैसे बात करे और आप उन्हें डिलीवरी किस तरीके से देते हैं? देखो, अगर बात आती है डिलीवरी की जी, तो 300 किलोमीटर तक तो हम करते हैं अपने प्राइवेट वाहन से, छोटा हाथी हो गया, पिकअप से जी। अगर उससे ऊपर जाता है कोई भी सिंगल पीस, तो उसको हम करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि किसान भाई को पेमेंट हमें पहले करना होगा यंत्र का जी। अगर हम करते हैं पब्लिक अपने ट्रांसपोर्ट से, पर्सनल से, प्राइवेट से, तो हम उसको ऑप्शन ये भी है कि आप जाओ पेमेंट दो, माल ले लो। और अगर हम करते हैं ट्रांसपोर्ट से, तो पहले आपको पेमेंट डालना पड़ेगा अकाउंट में, उसके बाद हम सप्लाई करेंगे। ट्रांसपोर्ट की पेमेंट आपको ट्रांसपोर्ट वाले को देनी होगी जी। माल
अगर ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो जैसे किलोमीटर ज़्यादा है तो 8-10 दिन तो लग ही जाते हैं। जैसे 1000 किलो अभी मैंने महाराष्ट्र भेजे थे जी, छत्तीसगढ़ भेजे थे, तो वहाँ पे चार्ज जो है करीब 8-9 हज़ार पे चार्ज आ रहा है और 10-15 दिन लग रहे हैं जी। ठीक है, बाकी जो लोकल में उनको तो 24 घंटे के अंदर हम सप्लाई दे देते हैं। माल की कोई कमी नहीं है फिलहाल, महंगाई है थोड़ा, महंगाई है, लोहे में उछाल है, पर माल की कोई कमी नहीं है। और किसान को देख के परख के जी उसके बाद चीज को लेना चाहिए कि वो तुम्हारे मतलब की है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजिंदर सिंह जी, आपने ये सारी जानकारी दी, मैं आपका और आपके खालसा एग्रीकल्चर स्टोर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। त्यागी, धन्यवाद आपका काफी कि आप टाइम टाइम पर आते हैं और किसानों को नई नई चीजें दिखाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो किसान साथियों, आपने खालसा एग्रीकल्चर स्टोर के सभी कृषि यंत्र देखे और उनके बारे में जानकारी ली। अगर उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।